युवाओं को सेना से जोड़ने और सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया है। वहीं पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल के रक्सवाल ने जानकारी दी है कि अग्निपथ योजना के तहत अगले 3 महीने में युवाओं की भर्ती आरम्भ हो जाएगी। इसके बाद उन्हें 10 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें 4 वर्षों की सेवा के लिए भेजा जाएगा। इस योजना से युवाओं को काफ़ी फायदा मिलेगा और सेना का अनुभव मिलने के बाद इन अग्निवीरों को पुलिस और अन्य बलों में मौका दिया जाएगा। लेकिन योजना को ठीक से समझ नहीं पाने के कारण या कुछ लोगों के बहकावे में आकर कुछ युवा इसका विरोध करने लगे हैं। अब इस योजना को लेकर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार को निशाने पर रखा है। उन्होंने लिखा है कि सेना में काफ़ी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 वर्ष अल्पावधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना घोषित की है। उसको लुभावना व लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट एवं आक्रोशित है। ये सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इसके आगे मायावती ने लिखा है कि इनका मानना है कि सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए ही सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या को कमी के साथ साथ मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है, जो घोर अनुचित तथा गरीबों व ग्रामीण युवाओं व उनके परिवार के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है। अपने अगले ट्वीट में मायावती ने लिखा कि देश में लोग पहले ही बढ़ती गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी एवं सरकार की गलत नीतियों व अहंकारी कार्यशैली आदि से दुखी व त्रस्त हैं। ऐसे में सेना में नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में फैली बेचैनी अब निराशा उत्पन्न कर रही है। जी हां, आपको बता दें, सरकार तुरंत अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और BSP की यह मांग है कि अग्निपथ योजना में युवाओं को क्या मिलेगा। बता दें कि इस योजना के तहत प्रतिवर्ष लगभग 45,000 युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। अग्निवीरों को 30,000 से 40,000 प्रति माह वेतन और अन्य लाभ दिए जाएंगे। इस दौरान अग्निवीर 3 सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड मेडल और इंश्योरेंस कवर पाएंगे। 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। यदि सेवा के दौरान शहीद या दिव्यांग हो गए तो उनके परिवार को 44 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। 4 वर्ष पूरे होने के बाद 25% को फिर से सेना में 15 साल और सेवा करने का अवसर मिलेगा। 4 साल बाद जो अग्निवीर बाहर होंगे उन्हें सेवानिधि पैकेज के तहत टैक्स फ्री लगभग 12 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। वहीं 4 साल पूरे होने के बाद UP, MP, असम और हरियाणा की सरकार ने इन अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। लेकिन युवा गलतफहमी या बहकावे में आकर सड़कों पर उत्पात कर रहा है। यदि कोई जायज मांग है तो शासन प्रशासन के साथ चर्चा कर हल की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।